कि अभी 4.5 साल से वो पूरी की पूरी 18 योजनाएं एक तरीके से बंद है। उन सारी 18 योजनाओं को वापस शुरू करने से सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमने DPS तबीजी अजमेर, जहां एकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो, कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। संगठन है और क्या मांगे आपकी? ये भारतीय मजदूर संघ से संबंधित राजस्थान असंगठित निर्माण मजदूर संघ के नाम से है, एफिलिएटेड भारतीय मजदूर संघ से। पिछले काफ़ी समय से हमारे श्रमिक कल्याण की योजनाएं चल रही थी, उसमें 18 योजनाएं हैं। लगभग अभी 4.5 साल से वो पूरी की पूरी 18 योजनाएं एक तरीके से बंद है। उन सारी 18 योजनाओं को वापस शुरू करने से सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, जिला कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। और वैसे हमारा आज का प्रोग्राम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का था, लेकिन हमारी ये भी डिसाइड हुआ कि राज्य सरकार का हम दे सकते हैं, तो हमने दिया था। वो उसमें मुख्य मांग और क्या लाभ मिलता था आप लोगों को? 55,000 रुपये एक बच्ची को और एक श्रमिक की दो बच्चियों को डेवलपमेंट के लिए मिलता था। वो 4.5 साल से बंद है। श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 रुपये का इंश्योरेंस मिलता था, वो 4.5 साल से बंद है। श्रमिक की नेचुरल मृत्यु होने पर उसको 2,00,000 मिलते थे, वो बंद है। छात्रवृत्ति मिलती थी, वो 10% लोगों को मिलती है, 90% लोगों को इधर उधर लौटाया जा रहा है, दे नहीं रहे पैसे। एक हमारी मुख्य मांग है कि कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अकाउंट से, जो श्रमिक कल्याण का अकाउंट है, उनमें से लगभग 800 करोड़ रुपये अन्यत्र कहीं खर्च कर दिया था लोन के नाम पर, और वापस अभी तक जमा नहीं कराया। तो हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि उस पैसे के तुरंत हमारे उस अकाउंट में जमा कराए और श्रमिकों को लाभ मिल सके। और सरकार कह रही है पैसे नहीं है, फंड नहीं है, फंड को अन्यत्र खर्च कर दिया है। दूसरा, जहाँ से फंड आता है, जो शेष राशि वसूल की जाती है, वो सरकार सही तरीके से कर नहीं रही है। कर्मचारी नहीं आगे अगर